Hello everyone, today I am going to show you how to make professional video with mobile and pen tab. This is the pen, this is stand and these are two USB which you have to fit in this mobile. Let us see how to make a professional video with the help of mobile and pen tab. हम एक प्रोफेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं एक पेन टैब और मोबाइल से, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो हमारा पेन टैब है, इसे कौन सा यूएसबी ये मोबाइल में फिट होता है। दो तरह का यूएसबी होता है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा मोबाइल में, सब मोबाइल में ये फिट नहीं होता है, तो आपको देखना है कि कौन सा USB आपके मोबाइल में फिट होता है और इसे हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वी आर कनेक्टिंग दिस पेन टैब विद द मोबाइल विद द हेल्प ऑफ दिस USB। देखिए हम इसे कनेक्ट करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसमें जो लाइट है वो इसमें ऑन हो रहा है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि जो मोबाइल है ये ऑन करते ही ये लाइट ऑन होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस तरह से हम एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। नाउ आई शो यू हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल वीडियो विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल एंड पेन टैब, ठीक है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर कनेक्शन करेंगे, राइट। देखिए कि मेरा मोबाइल ये पेन टैब से कनेक्ट हो चुका है और ये लाइट 1 2 3 4 ये लाइट जल रहा है, ठीक है। तो इसे हम मोबाइल को थोड़ा सा सपोर्ट देके यहाँ पर रखेंगे और हम अभी सपोर्ट देंगे इसको रखेंगे, देखेंगे कैसे हम इसे ये देखिए हम बुक से इसको सपोर्ट देते हैं, राइट। और यहाँ पर हम ये मोबाइल को रखते हैं, आप यहाँ पर एक ट्राइपॉड भी रख सकते हैं, ठीक है। हम ये मोबाइल को यहाँ पर सपोर्ट देके ये रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर पेन टैब से एक प्रोफेशनल वीडियो आपको करके दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेरा मोबाइल है यहाँ पर हमको सबसे पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना है, ठीक है। हम ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। जैसे A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं टू रिकॉर्ड द स्क्रीन ऑफ दिस मोबाइल, ठीक है। इसके बाद हमें एक व्हाइट बोर्ड लेना होता है, तो हम यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे उसका नाम है MyBoard, ले सकते हैं, या और भी अदर्स जो है वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन रिकॉर्डर हम अभी ऑन करके दिखाएंगे आपको। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद हम एक कोई भी व्हाइट बोर्ड चूज करेंगे, हम एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, एनी व्हाइट बोर्ड, टीचिंग व्हाइट बोर्ड ले लिए हैं, ठीक है। और इसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक व्हाइट बोर्ड ले लिए हैं, देखिए, राइट। और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी ले लिए हैं और इसे हम करेंगे ऑन, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं, राइट। ये हमारा पेन टैब है, तो सबसे पहले पेन टैब को अच्छे से कनेक्ट करना है, राइट। देखिए मेरा पेन टैब इसे कनेक्ट हो गया, कैसे पता चलेगा, जो लाइट 1 2 3 4 ये अगर ब्लिंक करता है या इसमें ग्लो होता है तभी हमको पता चल जाता है। तो हम इसे
फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। और दिस इज द पेन टैब पेन। अब हम इसको यूज करेंगे, किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये किस तरह से हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करते हैं रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्डर से इसको ऑन कर देते हैं। Hello everyone, today we are going to show you how to make a professional video with the help of a mobile and pen tab. आज हम दिखाएंगे किस तरह से एक मोबाइल और पेन टैब से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है एजेट ग्रीन स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर हम लेंगे जिसका नाम है माई व्यू बोर्ड। ये हमारा माई व्यू बोर्ड है, इसे हम ले लेंगे और यहाँ से हम दिखाएंगे किस तरह से हम माई व्यू बोर्ड से बहुत अच्छे तरह से हम अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा माई व्यू बोर्ड है, हम पेन टैब से अब दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे हम इसे छोटा बड़ा कोई भी चीज़ हम, ये मेरा कर्सर है, आप देख सकते हैं दिस इज़ द कर्सर, ठीक है। तो हम इसे कर्सर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हमारा जो ये वाला, हम यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्सर को लेकर आते हैं और इसे हम करके देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, राइट। ये हमारा पेन है, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे कलर चेंज, चेंज द कलर, अप्लाई टू ऑल पेजेस, ठीक है। और इसे हम करके इस तरह से हम इसे मोड चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे वाइट करेंगे, वाइट, राइट। अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो ऑप्शन है, हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में हम काम कर सकते हैं और किस तरह से हम काम कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले एक न्यू पेज ले लेंगे, तो सबसे पेज नंबर 3 एक न्यू पेज है, और यहाँ पर हम पेज को बढ़ा भी या घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पेज पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर ऑफ पेजेस हम चेंज कर सकते हैं, और ये हम कम कर सकते हैं 3, 7, 6, 5, 4। तो हमें थर्ड नंबर पेज में हम अभी आ चुके हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या वेरियस फैसिलिटी है, वो हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा जो है, ये हमारा कर्सर है। तो कर्सर में हम जैसे हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पेन है, देखिए ये हमारा पेन है, यू सी हियर दिस इज ये पेन है। पेन में हम कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कलर चूज करते हैं रेड, रेड कलर चूज कर लिए हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू आवर चैनल, इसे वर्टिकल मोड में लाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से हम बहुत अच्छे तरह से एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज करते से वाइट लेंगे, हम सबसे पहले वाइट ले लेंगे, अप्लाई टू ऑल द पेजेस, ठीक है। देखिए मेरा पेज वाइट हो गया है, और यहाँ पर हम एक न्यू पेज लेते हैं, पेज नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 4 ये मेरा वाइट हो गया। अभी हम लिखने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमारा पेन है, दिस इज़ अ पेन मोड, राइट। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, हम ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है।
और ये जो हमारा थिकनेस है इसे थिकनेस छोटा या बड़ा कर सकते हैं, राइट। हम थिकनेस कम करते हैं, अभी हम देखिए यह सिर्फ बहुत अच्छे तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिखते हैं वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। तो हम एक नया चेज पेज लेते हैं, तो देखिए हम बहुत सारा ये ले सकते हैं। अभी हम नया लेंगे, नया पेज नंबर 4 5, ठीक है। देखिए तो पेंट्स हम ये ऐसे काम कर सकते हैं, और मैं जो जो ऑप्शन है हम सब आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा रबर है, इरेजर है, तो पहले सब तो हम लिख के देखते हैं। जैसे हम कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, वट एवर वे राइटिंग यहाँ पर लिखेंगे, और इसे हम जो रबर है उसे हम इसे मिटा भी सकते हैं, राइट। इस तरह से हम एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं, राइट। और आप एक मोबाइल और पेंट ऐप से बहुत अच्छे तरह से आप पढ़ा भी सकते हैं, राइट। ये हो गया। अभी देखिए और भी जो ऑप्शन है उसको हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा सेफ है, तो आप कोई भी शेप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। यू कैन सी हम कोई भी शेप लेते हैं, जैसे हम लेते हैं स्क्वायर, राइट। तो देखिए हम स्क्वायर ये बहुत अच्छे तरह से हम इसे ले सकते हैं, राइट। और भी हमारा ऑप्शन है, जैसे हमारा जो भी ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पर ट्राइंगल ले सकते हैं, दिस इन दिस वे दिस वे दिस वे, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। और भी मेरा बहुत सारा शेप है, तो हम आपको शेप को दिखाते हैं। जैसे हम लेते हैं पेंटागन, तो इसको हम न्यू पेज ले लेते हैं, पेज नंबर 6। देखिए हमारा पेंटागन किस तरह से बहुत अच्छे तरह, जब भी पेंटागन हेक्सागन कोई भी शेप हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेप का पोर्शन है। यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ट्रेपेज़ियम लेकर दिखाते हैं, दिस इज़ द ट्रेपेज़ियम, ठीक है। और भी शेप है यहाँ पर, जो भी शेप हम लेना चाहते हैं, जैसे ये वाला शेप लेते हैं हेक्सागन 6, ये मैंने देखिए हेक्सागन बन गया, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी शेप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम चले जाएंगे नेक्स्ट फेज में, अभी चलेंगे टी यानी कि टेक्स्ट। हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं वेलकम, ठीक है। यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर ले से लिख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टेक्स्ट एडिटर, राइट। और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख के बड़ा छोटा बड़ा या सेंटर कर सकते हैं, और ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। टेक्स्ट एडिटर आप देख सकते हैं। उसके बाद है रीडू अंडू, ये वाला हमारा रीडू अंडू है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला हमारा रोम है, रोमिंग। तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पर लेते हैं उसे हम रोम भी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सेप ले ली है, इसे अगर कहीं भी रखना है तो यहाँ पर यहाँ पर या नीचे यहाँ पर कहीं भी हम इसको रोम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम और एक पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में हम दिखाएंगे कि ये हमारा मैजिक मैजिक बॉक्स है। मैजिक बॉक्स में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर शेप कर सकते हैं। ये हमारा कोई भी हम स्टिकी नोट यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हेलो हेलो कुछ भी हम लिख सकते हैं, स्टिकी नोट इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे, ठीक है। बंद भी कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो ये हमारा स्टिकी नोट है, तो ये हमारा ये नोट है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैजिक बॉक्स में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे रूलर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रूलर है, ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमको मैग्नीफाइंग करना है तो देखिए हम इसे मैग्नीफाइंग कर सकते हैं, राइट। दिस इज द ऑप्शन, दिस वेरियस ऑप्शंस। और भी जैसे मैजिक बॉक्स में क्या क्या हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ बंद कर देते हैं, तो हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये जो हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे 5 × 5 25 25 25 × कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं एज यू विश, है 1 2
प्लस, राइट। इस तरह से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। ये हम बैक करते हैं, ये हमारा कैलकुलेटर है, राइट। तो हम फिर से मैन्यू बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो हम और एक नया पेज लेते हैं, पेज नंबर 9, ठीक है। अभी देखिए हम फिर से मैजिक बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ भी आउट ऑफ, जैसे कैमरा है, कैमरा से हम दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से ये कैम कर रहे हैं। जैसे हमें वो बैक कैमरा लेंगे तो ये हमारा, देखिए ये हमारा पेन टैब है, आप देख सकते हैं, ये दिस इज माई पेन टैब। इसे कैसे हम मोबाइल से रखें और यहाँ पर हम अपना मोबाइल रखते हैं, राइट, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसे चाहे तो हम इसे फ्रंट का जो कैमरा है उसे भी ऑन कर सकते हैं, राइट। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से हम फ्रंट कैमरा ऑन करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम दिखाएं, ये हमारा बैक कैमरा है, ठीक है। तो हम इसे अभी तो क्लोज कर देते हैं। ये फ्रंट कैमरा अगर यूज़ करना है तो यहाँ पर मैजिक बॉक्स में जाएंगे, एंड दिस इज़ द फ्रंट कैमरा, ठीक है। हमें फ्रंट कैमरा हम यूज़ करेंगे, तो ये फ्रंट कैमरा देखिए, मेरा फ्रंट कैमरा, हमारे फ्रंट जो कैमरा है उससे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे पीछे हमारा ग्रीन स्क्रीन है, राइट। इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं एज यू विश, और इसे हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं और इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। या हम ऊपर में भी रख सकते हैं और इसे बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ा सकते हैं, राइट। यू सी दिस इज़ माई फेस, यू कैन सी, एंड नाउ वी कैन टेक एनी थिंग, राइट। इन ब्लू कलर वी आर राइटिंग हेयर, यू सी हेयर दिस इज़ ए ट्राइंगल, राइट। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, राइट। यू ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल, दी थ्री साइड्स, दिस इज ए बी एंड सी। यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल देर आर थ्री साइड्स, 1, 2, 3, एंड देर आर थ्री इंटरनल एंगल्स, एंगल दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द राइट। एंड वी कैन स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स ऑल्सो। तो हम यहाँ से अपना फेस स्कैन भी कर सकते हैं और इसे पढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो बहुत अच्छे तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी मैजिक बॉक्स में और भी बहुत सारा फिगर्स है जो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर और भी जो है, ये हमारा पेंटर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा है, तो इसे हमें अभी डिलीट कर देते हैं, राइट। अभी हमें नहीं चाहिए तो हम इसे अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम मैजिक ब्रश में चले जाते हैं और यहाँ पर हम और भी चीज़ है, जैसे हमारा रूलर है। तो रूलर के लिए हम यहाँ पर देखिए, रूलर को हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर रूलर से हम स्ट्रेट लाइन या कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारा ऑप्शन ये मैजिक बॉक्स से ले सकते हैं और हम यूट्यूब में भी जा सकते हैं, राइट। यूट्यूब में भी हम चले जा सकते हैं, वहाँ से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। ये मेरे बहुत सारा ऑप्शन है, ये हम सबसे छोटा वाला ऑप्शन लेते हैं, राइट। और इसे हम थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, राइट। इसे हम छोटा या बड़ा भी यहाँ पर कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम अभी डिलीट करते हैं, राइट। अभी हम डिलीट कर दिए सब कुछ। अभी हमारे फिर से मैजिक बॉक्स लेते हैं और एक नया पेज लेते हैं, पेज नंबर 9, 10, ठीक है। तो मैजिक में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे हम रूलर अभी नहीं दिखाएं, ये अभी दिखाते हैं। जैसे ये हमारा क्लॉक है, तो देखिए हमारा क्लॉक आ गया है, तो यहाँ पर हम क्लॉक शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये हमारा टाइमर है, तो हम टाइमर भी हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे टाइमर हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से ऑन करते हैं, देखिए मेरा टाइमर यूज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बंद कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो हम इस तरह से बहुत कुछ, ये मैजिक बॉक्स में बहुत सारा चीज़ होता है जो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम अगर कोई भी सर्च करना चाहते हैं तो हम वेब पे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए पिकस जो है सोनी, ये ओरिजिनल्स, इसका बहुत सारा पेज होता है जो हम दिखा सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ये सर्च गूगल, जैसे हम करते हैं कंप्यूटर, राइट। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम फिर से इसको लौट आते हैं, अभी चले जाते हैं मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स चले जाते हैं और अभी फिर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और मैजिक बॉक्स और क्या फीचर्स है, जैसे हम कोई भी वेब पेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई भी वेब पेज में जा सकते हैं और वहाँ पर कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च में जाके और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वेरियस ऑप्शंस है जो हम कर सकते हैं, और इसे हम करेंगे क्लोज कर देते हैं अभी, ठीक है, क्लोज कर दिए।
और ये हमारा और क्या क्या ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब, यूट्यूब में हम कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं और कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से भी हम कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो, यूट्यूब वीडियो या कोई भी चीज़ हम यहाँ पर सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरह से एक प्रोफेशनल वीडियो इससे बना सकते हैं। और मैं उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, यूट्यूब में जा सर्च जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हम सर्च वेब इमेजेस, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस यू कैन यूज़ विद दिस मैजिक बॉक्स, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये हमारा थोड़ा प्रीमियम है, तो यहाँ पर क्या कैंसिल कर देते हैं। और एक ऑप्शन है जो हमारा प्रीमियम मोड में है, तो हम इसे भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हम चूज सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेव करेंगे, फाइल नेम देंगे, जैसे फाइल नेम हम कोई भी नेम देके यहाँ पर हम इसे सेव कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मोड्स इन विच यू कैन वर्क विद दिस वी बोर्ड। और भी ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है हम इसे कोई भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका स्क्रीन शॉट लेते हैं यहाँ पर, तो स्क्रीन शॉट भी हम ले सकते हैं या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लिए, इसी स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विथ माई वी बोर्ड, तो वो पोर्शन में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं।